दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर की जो डायनेमिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। दोस्त दोस्त ना रहा और दुश्मन दोस्त बन गया, ये बात एकदम फिक्स बैठती है। और अब और भी चीज़ें आपको घर में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर घर में और भी इक्वेशंस बदलेंगे, वहीं अब हम शुक्रवार के एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। आपको बता दें कि घर के अंदर जो है जेल जाने के लिए सभी घर वालों से दो दो नामों की उम्मीद करेंगे बिग बॉस, और ये दो नाम जो होने वाले हैं वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इस वक्त दोस्ती और दुश्मनी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। घर के अंदर सभी एक नाम तो पक्का लेने वाले हैं, वो होने वाला है पारस का नाम। जिस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स उन्होंने खेली है वो सबकी आंखों में अब खटकने तो कहीं ना कहीं लग गई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें की हैं ये बहुत ही ख़राब था। जिस तरीके से आसिम को उन्होंने टारगेट किया, उनकी निजी ज़िंदगी निजी चीज़ों के बारे में उन्होंने बातें की, वो गलत था। और शेफाली को और भी घर की लड़कियों को उन्होंने काफ़ी अपशब्द भी कहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पारस जेल जाना तो तय, लेकिन दूसरा इंसान कौन होने वाला है जेल में जाने के लिए, ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि घर के अंदर एक और दावेदार आने वाली है, वो हो सकती है सहना। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों में से ही कोई जेल जाने की दावेदारी रख सकता है। जहाँ पर पारस जो है वो मेन कंटेंडर हो सकते हैं जेल जाने के, तो वहीं आसिम और सहनाज में से कोई एक ज़रूर जेल जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें घर की डायनेमिक्स की, तो यहाँ पर चेंज होती नजर आई। हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो कोशिश करेंगे कैप्टन के रूम से कुछ चीज़ें चुराने की और उन्हें छुपाने की। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को पता चल जाएगा कि चीज़ें चोरी हो रही हैं, तो सिद्धार्थ शुक्ला क्या करेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हिंदुस्तानी भाऊ आप ये गलत कर रहे हैं और ये सही नहीं है, आप क्या चाहते हैं, आपका नाम एक एज एन चोर बताया जाए, ये तो गलत बात है। सारी जो बातें हैं वो विदाउट हीट विदाउट एंगर और इजीली ये बातें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आरती आती है और वो ये कहती हुई नज़र आती है कि भैया हिंदुस्तानी भाऊ को अगर दंड नहीं मिला तो घर में किसी को भी दंड नहीं मिलेगा। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि दंड कौन देगा, कैप्टन मैं हूँ तो मैं ही डिसाइड करूँगा। और अब सिद्धार्थ शुक्ला और आरती के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो पड़ने लगे हैं। जहाँ आसिम भरे बैठे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ, तो वहीं आरती भी उतना ही भरा बैठी हैं, क्योंकि आरती के साथ भी कई इंसिडेंट्स वाक्या हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, जो कि पॉइंट ऑफ व्यूज मैच ना करने के लेकर काफ़ी बातें होती हैं। और अब जो है आरती भी फटना शुरू हो गई हैं, और अब ये फट रही हैं तो लग रहा है कि गेम थोड़ा सा अलग रहने वाला है। अब देखते हैं और कौन कौन दोस्त छोड़कर जाता है सिद्धार्थ शुक्ला को और कौन कौन नए दोस्त उनके बनते हैं। लेकिन रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला के लव इक्वेशन भी देखने को मिलेगी आपको फ्राइडे के एपिसोड में। इन दोनों की लव इक्वेशन ऐसी होने वाली है जहां ये आंखों में आंखें डाल कई देर बैठे रहेंगे। अब दोस्तों ये कितनी सच्चाई है इस इक्वेशन में ये तो कल ही पता चलेगा। बहरहाल तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं शुक्रवार के एपिसोड के लिए, और वीकेंड का वार के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। हमें कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें खेलो खेलो को, क्योंकि यही मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर की जो डायनेमिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। दोस्त दोस्त ना रहा और दुश्मन दोस्त बन गया, ये बात एकदम फिक्स बैठती है। और अब और भी चीज़ें आपको घर में देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर घर में और भी इक्वेशंस बदलेंगे, वहीं अब हम शुक्रवार के एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। आपको बता दें कि घर के अंदर जो है जेल जाने के लिए सभी घर वालों से दो दो नामों की उम्मीद करेंगे बिग बॉस, और ये दो नाम जो होने वाले हैं वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इस वक्त दोस्ती और दुश्मनी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। घर के अंदर सभी एक नाम तो पक्का लेने वाले हैं, वो होने वाला है पारस का नाम। जिस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स उन्होंने खेली है वो सबकी आंखों में अब खटकने तो कहीं ना कहीं लग गई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें की हैं ये बहुत ही ख़राब था। जिस तरीके से आसिम को उन्होंने टारगेट किया, उनकी निजी ज़िंदगी निजी चीज़ों के बारे में उन्होंने बातें की, वो गलत था। और शेफाली को और भी घर की लड़कियों को उन्होंने काफ़ी अपशब्द भी कहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पारस जेल जाना तो तय, लेकिन दूसरा इंसान कौन होने वाला है जेल में जाने के लिए, ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि घर के अंदर एक और दावेदार आने वाली है, वो हो सकती है सहना। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों में से ही कोई जेल जाने की दावेदारी रख सकता है। जहाँ पर पारस जो है वो मेन कंटेंडर हो सकते हैं जेल जाने के, तो वहीं आसिम और सहनाज में से कोई एक ज़रूर जेल जा सकता है।
वहीं दूसरी ओर अगर बात करें घर की डायनेमिक्स की, तो यहाँ पर चेंज होती नज़र आई। हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो कोशिश करेंगे कैप्टन के रूम से कुछ चीज़ें चुराने की और उन्हें छुपाने की। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को पता चल जाएगा कि चीज़ें चोरी हो रही हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला क्या करेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हिंदुस्तानी भाऊ आप ये गलत कर रहे हैं और ये सही नहीं है, आप क्या चाहते हैं, आपका नाम एक एज एन चोर बताया जाए, ये तो गलत बात है। सारी जो बातें हैं वो विदाउट हीट, विदाउट एंगर और ईजीली ये बातें हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आरती आती है और वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि भैया हिंदुस्तानी भाऊ को अगर दंड नहीं मिला तो घर में किसी को भी दंड नहीं मिलेगा। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि दंड कौन देगा, कैप्टन मैं हूँ तो मैं ही डिसाइड करूँगा। और अब सिद्धार्थ शुक्ला और आरती के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो पड़ने लगे हैं। जहाँ आसिम भरे बैठे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ, तो वहीं आरती भी उतना ही भरा बैठी हैं, क्योंकि आरती के साथ भी कई इंसिडेंट्स वाक्या हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, जो कि पॉइंट ऑफ व्यूज मैच ना करने के लेकर काफ़ी बातें होती हैं। और अब जो है आरती भी फटना शुरू हो गई हैं और अब ये फट रही हैं तो लग रहा है कि गेम थोड़ा सा अलग रहने वाला है। अब देखते हैं और कौन कौन दोस्त छोड़कर जाता है सिद्धार्थ शुक्ला को और कौन कौन नए दोस्त उनके बनते हैं। लेकिन रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला के लव इक्वेशन भी देखने को मिलेगी आपको फ्राइडे के एपिसोड में। इन दोनों की लव इक्वेशन ऐसी होने वाली है जहाँ ये आँखों में आँखें डाल कई देर बैठे रहेंगे। अब दोस्तों ये कितनी सच्चाई है इस इक्वेशन में ये तो कल ही पता चलेगा। बहरहाल तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं शुक्रवार के एपिसोड के लिए और वीकेंड का वार के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। हमें कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें खेलो खेलो को, क्योंकि यही मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।